हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक। आज हम आए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कार्बन आयन की जिसमें हम आज बात करेंगे कार्बन आयन की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रिएक्शन इंटरमीडिएट के कार्बोकैटायन की, कि कार्बोकैटायन कैसे बनता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। आज बात करेंगे कार्बोअनायन की स्टेबिलिटी की, और वो कैसे बनता है, कैसे स्टेबिलिटी है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी की सारी बातें घुस जाएँ। इससे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़े ही 12, 13, 14 लेक्चर्स आ चुके हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट करें, मेल करें, कुछ भी करें, बस पढ़ते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट, जो कि है कार्बोनायन। कार्बोनायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जो एक रिएक्शन में थोड़े से टाइम के लिए बनता है, और वह बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होती है। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं कार्बोनायन की। कार्बोनायन होता क्या है, देखो, अगर ऐसा होता है CH3, CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक कार्बोनायन है। कार्बोनायन कैसे है, अरे समझो क्या हुआ, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा होगा CH3, C और इसके पास 2H, इसके पास एक और बॉन्ड था, कोई और एटम लगा हुआ था कार्बन के साथ, कुछ भी था। मान लो मैं बोल लेता हूँ कौन एटम लगा हुआ था, ए एटम लगा हुआ था, सही है। और इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस थी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे, कार्बन की शिफ्ट करेंगे, तो इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव चार्ज होगा। ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज कब बड़ा हो जाएगा, यानी कि कब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा और ये ए ए प्लस बनकर निकलेगा, और बचेगा क्या, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूट गया, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो तो गया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल गया, तो क्या बना, कार्बन आयन। अगर ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता, कार्बन के पास आता, पॉजिटिव चार्ज, तो बनता कार्बोकैटायन, सही है। तो क्या बनता, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन या कार्बोअनायन की फॉर्मेशन ऐसी होती है, ऐसे कोई भी कार्बन आयन बना, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है बहुत ही ज़्यादा यार, कार्बन नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता अपने ऊपर, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा, ये दोबारा रिएक्ट करेगा और एक कुछ और फाइनल प्रोडक्ट बना कर दे देगा। मैं बार बार बात करता हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ बीच में बनने वाली रिएक्शन जब हो रहा है उस टाइम पर बनने वाली कुछ टाइम के लिए स्पीशी है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए बनती है। समझ आई बात। तो हम बात करते हैं पहले फीचर्स ऑफ कार्बोनायन, मतलब कार्बोनायन के कुछ फीचर्स, फीचर्स ऑफ कार्बोनायन। देखो कार्बोनायन के कुछ फीचर, सबसे पहली बात, कार्बोनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। क्या हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, बिल्कुल सच्ची बात। अरे यार, कार्बोनायन के पास क्या है, इसने किसी और का इलेक्ट्रॉन उठा लिया तो नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन रिच है, पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको क्या पसंद है, इसको न्यूक्लियस पसंद है, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज। अरे यार, ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश में घूमेगा, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की तलाश करेगा, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ, तू कहाँ, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा यहाँ, ठीक है, तो ये ढूंढेगा, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता, न्यूक्लियस के पास होता यार, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, या पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाला, या न्यूक्लियस का लवर बोल सकते हो आप इसको। तो कार्बोनायन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और कार्बोकैटायन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लवर हैं वो,
तीसरी बात देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तीसरी बात, ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज़ भी हैं। ये तो सारी हैं, सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीशी होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं और बाद में इनके साथ कुछ ना कुछ और घटना घटित हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं रिएक्शन मुँह मारने चले जाएंगे। सही है जी। अगली बात करते हैं कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, वो होगी एस पी टू या थ्री, एस पी टू होगी, एस पी टू होगी नहीं, एस पी थ्री होगी, सॉरी एस पी टू तो उसकी होती थी ना, एस पी थ्री। एस पी थ्री अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन है तो इनकी शेप कैसी होगी, तो इनकी शेप होगी भैया जी पिरामिडल। अरे यह तो पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग क्लास इलेवेंथ, मतलब इसी साल पढ़ा तुमने। शेप कैसी होगी, पिरामिडल। अच्छा एस पी थ्री क्यों होगी, एस पी थ्री क्यों, अरे यार क्योंकि इनके पास एक तो लोन पेयर पड़ा है, अरे यार इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, अरे अपना तो इसका एक ही था तो इसको लोन पेयर की तरह काम कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसके पास सिग्मा और लोन पेयर। अरे कैसे निकालते हैं जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू आने से एस पी थ्री, जेड की वैल्यू फोर तो एस पी थ्री, जेड की वैल्यू थ्री तो एस पी टू। केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओगे। सही है जी, ओके। और क्या बात करते हैं इसकी और अच्छा एक और बात, ये हैं जो कार्बन आयन्स, ये ना डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं। क्या होते हैं डायमैग्नेटिक, होते हैं कि इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे यार देखो, इसका कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, एक दो तीन चार, सही है। देखो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड है, एक एच के साथ पेयर्ड है, एक इसके साथ पेयर्ड है, एक बच्चा इसको भी पेयर करने के लिए बोला, तो इसने क्या कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन उठाकर पेयर तो कर लिया। हाँ ये अकेला है बट ये एक और इलेक्ट्रॉन ले आया पेयर, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसका, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ये डायमैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोकटायन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अरे कार्बोकटायन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अरे उसका तो ले गया, जो भी थे वो पेयर्ड थे। सही है, छोड़ो अभी कार्बो अनायन को देखो, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो सारे पेयर्ड हैं इसके, दो दो दो, यानी कि पेयर यानी दो के ग्रुप में हैं यार। सही है जी, ओके चले। अच्छा एक और बात लिख लो कि जैसे हमने कार्बो कटायन में लिखी थी तो इसमें भी लिखो, वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते थे, एडिशन शो करते थे, एलिमिनेशन शो करते थे, सब्सटीट्यूशन शो करते थे, और ये कौन कौन से रिएक्शन लिखते हैं, कौन से शो करते हैं, एल्डोल रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। इसको नोट कर लो, इस रिएक्शन के ऊपर मत जाओ, ये होते क्या है ना, सिर्फ इसको नोट करो। एक होता है परकिंस रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस ये शो करते हैं, रिएक्शंस हैं, कौन शो करते हैं, कार्बन आयन, कार्बोकटायन शो करते थे एडिशन, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। सही है जी, ओके चले। चलो सर, तो अब बात करेंगे इनकी कि इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनायन। देखो जैसे हमने कार्बोकटायन की बात करी थी, कार्बोकटायन अगर सेम इफेक्ट शो करते हैं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी होनी थी, पर इसमें उल्टा होता है, इसमें 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री से और 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। कार्बोकटायन में उल्टा था, वीडियो देखी होगी अगर किसी ने तो समझ जाओगे, तो कार्बोकटायन में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, बट कार्बन आयन में होता है उल्टा, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री से। सही है जी, जैसे देखो CH3 और माइनस का चार्ज, ये देखो CH3 H और माइनस का चार्ज, CH3 H और माइनस का चार्ज। देखो होगा क्या, कंसेप्ट समझो क्यों ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन,
और इसके बगल में लगा हुआ सी एच थ्री। सी एच थ्री क्या करता है, सी एच थ्री प्लस आई ग्रुप शो करता है, प्लस आई ग्रुप यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट देता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन्स देता है ग्रुप में, रिंग में या ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो इसके पास तो पहले ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यार, इसके पास तो पहले ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, सही है। और ऊपर से ये भी इसको दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे, तीन तरफ से सी एच थ्री जोर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन ले ले। यहाँ सिर्फ सी एच थ्री दो तरफ से जोर लगा रहा है, यहाँ एक तरफ से लगा रहा है। देखो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ हो, तुम कहीं घूमने जाओ, तुम्हारे तीन दोस्त तुम्हें मिल मिलकर खिलाएं, एक बार दो दोस्त खिलाएं, एक बार एक खिलाए, तो ज़्यादा अनस्टेबल तब होगा जब तीन के तीन तुम्हें मिलकर खिलाएंगे। जैसे इसका पेट पहले ही भरा हुआ, ये तीनों इसको बोल रहे कि ले ठूस और खा, सही है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, सही है। ये भी अनस्टेबल होगा बट इससे कम अनस्टेबल होगा, ये इससे कम अनस्टेबल होगा। देखो अनस्टेबल तो सारे हैं, मतलब इन तीनों में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैं और दिए जा रहे हैं। वैसे ही कार्बन आयन अनस्टेबल होते हैं, बट हम सब में ज़्यादा स्टेबल कौन सा, तो उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्लियर है। तो ये ज़्यादा अनस्टेबल यानी कि ये स्टेबल हुआ वन डिग्री, ये कैसा कार्बन है, वन डिग्री कार्बन, जिसके बाद नेगेटिव उसके साथ एक कार्बन, जिसके बाद नेगेटिव चार्ज उसके पास दो कार्बन, जिसके बाद नेगेटिव चार्ज उसके पास तीन कार्बन। तो आप बोल सकते हो वन डिग्री इज स्टेबल देन टू डिग्री इज स्टेबल देन थ्री डिग्री, समझ आई बात, चलें आगे, पक्का, चलो चलें सर, ठीक है जी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो सी एच टू माइनस चार्ज माइनस सी एच टू, सी एच टू टी एच टू सी एच थ्री कर देना, इधर सी एच टू करो, दो इधर दो इधर, सही है जी। ये ऐसा करो, चलो ऐसा करो, इफेक्ट बदल देते हैं ना, इसको करो सी एच टू और ऐसा कर दो, एक क्वेश्चन ये करो और एक देता हूँ मैं सी एच थ्री सी एच टू और सी एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सही है, सी एच थ्री सी एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज। या ऐसा करो, इसको भी बदल दो, इसको भी बदल दो, इसको भी ऐसा करो, ऐसा करो, चलो सी एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज सी एच थ्री, लो इन दोनों में से बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, समझो। वही यार सेम कार्बोकैटायन वाला काम, उस समय तो यार सेम क्या हो रहा था, आई इफेक्ट आ रहा था, तो आई इफेक्ट में हमने क्या किया, देख लिया वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री। अब इफेक्ट देखो कौन ज़्यादा इफेक्ट, देखो इसमें इफेक्ट क्या, सेम सब दोनों में सेम इफेक्ट आ रहा नहीं, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा रेजोनेंस है, मीजोमरिक इफेक्ट है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या है, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा है और सी एच थ्री ग्रुप इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट। अरे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं बट ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या ये स्टेबल होगा, ये तो अनस्टेबल होगा, सीधी सी बात, दो ऑप्शन है तो ये तो अनस्टेबल बचा ये, तो ये क्या हो रहा, देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज, सही है, तो क्या होगा जी, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में उतर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में उतरेगा। अरे स्टेबल बनाना है इसको, स्टेबल कैसे बनता, देखो सी एच टू का नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड में उतरेगा, ये जो था ये यहाँ जाएगा, सी के पास प्लस चार्ज आया, समझो ये सी एच टू बना, इसका बॉन्ड गया इसके पास, सही है, अरे इधर को टूटा ये, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, अब इसके पास गया ये, सही है, तब समझ में आया। अरे यार इसके पास रेजोनेंस, इसके पास आपके पास आई इफेक्ट, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको भी भूल जाओ, रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कमन स्टेबल, तो ये जीतेगा ये हारेगा, सिंपल सी बात, रेजोनेंस होगा तो वो जीत जाएगा, सही है, सही है। और क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से समझो, जैसे ये देखो सी एच थ्री सी एच टू के पास नेगेटिव चार्ज, सही है, फिर देखो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच के पास नेगेटिव चार्ज, फिर देखो जी एक और देखो सी एच के पास ट्रिपल बॉन्ड और सी के पास नेगेटिव चार्ज, इनमें से बताओ कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल, कौन सबसे कम स्टेबल। देखो यहाँ तो तुम बोलोगे प्लस इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो अनस्टेबल, सही है,
ये और ये यहाँ कौन से इफेक्ट हैं? यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं, ना रेजोनेंस है, ना प्लस आई है, ना ना वो है। तो क्या करोगे? तो इसके लिए याद रखो कि जितने ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के पास जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के पास जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा, वो उतना ही स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के पास जितने पाई बॉन्ड होंगे, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो। क्यों क्यों जी, ऐसा किसने बोला? ऐसी क्या बात है कि ऐसा होगा? अरे यार देखो, अच्छा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, किसी को पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? किसी को नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन, समझते? अरे यार इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसके पास एक पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर पड़ा, इसकी sp2 पाई बॉन्ड आ गया, इसके पास दो पाई बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, सही है, इसकी पाई हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बताओ, 50% एस करेक्टर। अरे यार 85 है, 85 है, 50% एस करेक्टर। इसमें क्या एक s2p, तो यानी कि 33% एस करेक्टर। इसमें 25% एस करेक्टर। तो एक बात सुनो, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एलिमेंट, इस बात को याद होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला उसका इलेक्ट्रॉन लेके जाने की कोशिश करेगा। अरे यार इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? अरे यार उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा जल्दी जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा, यही तो बोला नेगेटिव चार्ज का जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड, ये तो ये ज़्यादा स्टेबल। ऐसा भी याद कर लो, ज़्यादा पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के पास वाले कार्बन पे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सही है? अगर ना पता चले कौन सा इफेक्ट हो रहा है तो इसको याद रखेंगे, ठीक? नहीं भी याद रख सकते तो ये टेबल याद कर लो, ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, इसको रट्टा मार लो तो भी बात बन जाएगी, ठीक है? ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी, कार्बन आयन में ये ग्रुप लगे हों तो ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले इंक्रीज मतलब ऊपर ज़्यादा, फिर नीचे 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 कम। तो ग्रुप लिखो, तो ग्रुप पाएंगे मैं अभी दिखाया, देखो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, पाई चार्ज के पास ट्रिपल बॉन्ड हो, सही है, सबसे ज़्यादा। फिर आएगा ये C6H5, ये 3 डिग्री, और इसके पास कार्बन 1 डिग्री। आप बोलोगे 3 डिग्री तो ज़्यादा स्ट्रांग होता था, नहीं सॉरी 1 डिग्री तो ज़्यादा स्ट्रांग होता था, बट यार बेंजाइल जो ग्रुप होता है ये C6H5, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ग्रुप से, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो 3 खींच रहे हैं। अरे यार 1 डिग्री इसमें स्टेबल नहीं हो सकता, 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो ले जाएंगे इसके, सही है? इसके बाद आता है जी C6H5 और 2 और CH के ऊपर माइनस। फिर आता है जी C6H5 और के 1 और इसके पास CH2 माइनस, ओके। फिर आएगा जी CH2 माइनस CH और CH2 डबल बॉन्ड और इसके पास माइनस चार्ज। इसके बाद आता है जी C6H5 के पास ही माइनस चार्ज, ओके। इसके बाद आता है जी CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। फिर आएगा CH3 माइनस, सही है जी। फिर आएगा CH3 माइनस CH2 ये बॉन्ड, इसके बाद कंटिन्यू हो रहा है आगे, समझ रहे हो? कभी घबरा जाओ, ओके। इसके बाद आएगा CH3 CH2 और CH3, समझ में आ रहा है? देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, अरे यार देगा ना ये, तो देगा, ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे कार्बन है, ज़्यादा स्टेबल होगा। ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, पढ़ा होगा ना? अरे ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है,
तो जिसके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है उसको और डोनेट करेगा तो अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल नीचे आ रहे हैं इससे, ये खींचेगा, बहुत अच्छा ग्रुप है ये विड्रॉ करने वाला, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके बाद नेगेटिव चार्ज खींच के ले जाएगा तो जीत जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ये। समझ आ रही है बात? तो यानी कि आपको समझ आ रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ इसमें मत देखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो खींचने वाला ग्रुप है ना, देने वाले ग्रुप में देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको नोट कर लिया। चलें आगे, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा, पक्की बात है? ओके चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। सर हम तो कभी भी छुट्टी कर सकते हैं, अब बंद कर दूं मैं आपकी वीडियो, ये लो बंद कर दी। नहीं कोई बात नहीं, देख लो, देखो तीन ऑप्शंस, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। देखो ऐसा इसका पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सही है जी, फिर लो जी सी एच टू माइनस सी एच और सी एच टू, एक दो तीन चार माइनस सी एच टू, दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और सी एच थ्री कर दो लो फिर, सही है? नहीं रेजोनेंस ले आई ना, तुम्हें भी उड़ जा दें थोड़ा सा, दो ये एक हो जाएगा, ये एक दो तीन चार पाँच छः माइनस चार और माइनस यहाँ पर पाई यहाँ पर, सही है जी, माइनस चार्ज यहाँ पर पाई, अच्छा अच्छा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, माइनस दे दो यहाँ पर और यहाँ पर दे दो पाई बॉन्ड, सही है, सिर्फ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लो। मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? देखो सब में इफेक्ट कौन सा हो रहा है, इफेक्ट कौन सा हो रहा है, सब में इफेक्ट हो रहा है रेजोनेंस मीजोमरिक इफेक्ट, पाई सिग्मा पाई, सब में क्या हो रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पाई सिग्मा पाई कह रहा हूँ, सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव पाई सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबके बराबर आएंगे तो सब में रेजोनेंस। अब क्या करोगे, अब मुझे बताओ अब क्या करोगे, सब में रेजोनेंस सब बराबर के बराबर तो क्या करें जी, अब क्या तरीका बचता है, अब क्या तरीका बचता है, अब तरीका बचता है अगर रेजोनेंस सेम है तो डिग्री देखो, अरे सेम इफेक्ट तो डिग्री देखो, ये देखो नेगेटिव चार्ज के साथ वाला कार्बन, नेगेटिव चार्ज के साथ कितने कार्बन, एक कार्बन एक डिग्री, नेगेटिव चार्ज के पास कितने कार्बन, एक कार्बन यहाँ एक यहाँ, दो डिग्री कार्बन है, नेगेटिव चार्ज के पास एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन डिग्री कार्बन, नेगेटिव चार्ज वाले के पास तीन डिग्री हुए ना, नेगेटिव के पास दो इधर एक एक ही हुआ, सॉरी एक इधर हुआ, एक हुआ इधर दो हुए, अच्छा ये दो डिग्री है, सॉरी उल्टा कर दिया, दो डिग्री और ये हुआ तीन डिग्री, सॉरी, सही है जी, कैसे, अरे यार नेगेटिव के पास एक कार्बन ये एक कार्बन ये और एक ये भी तो है ना, एक दो तीन तीन डिग्री, इसके पास एक ये, अरे एक ही तो होगा ना यहाँ दोनों बॉन्ड के साथ, एक यहाँ दो डिग्री, तो अब बताओ कौन जीता, सर पता चल गया वो जीता, सेम रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, वन डिग्री जीता, तो ये वन डिग्री वाला ज़्यादा टू डिग्री वाला फिर थ्री डिग्री वाला, ऐसा करो थ्री डिग्री नहीं स्टेबल होता कार्बन आयन में, कार्बन आयन में वन डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, अभी तो बताकर हटा था, सही है, ओके समझ में आया, पक्की बात है, ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और समझ में आएगा, बुक उठाएँ पढ़ें कुछ चीज़ें, ठीक, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की, या फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन फीचर्स, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।